अस्सलाम वालेकुम, सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और इनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। सिंध हुकूमत से सियासी इख्तलाफात सही लेकिन तरक्याती काम में सियासत नहीं। वफाकी वजीर असद उमर की विफाक और सिंध की हमांगी पर वजाहत। बोले लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। माशी हब कराची के मसाइल हल करना नागुजीर है। ऐसे काम है जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समंदर के अंदर फेंका जा रहा है, उससे हमारी आबी वसाइल जो है वो भी उनमें भी खराबी हो रही है और जाहिर है शहर के अंदर भी बीमारियां फैल रही हैं। ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नजर आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निजाम वहां पर इस वक्त नहीं है। वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है कि दोबारा वहां पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। पांचवी वो सड़कें, कुछ खसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों को भी बहुत बुरा हालात है, देखकर अफसोस होता है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निजाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निजाम वहां पर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक से ज्यादा मंसूबे मौजूद हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने दो साल में आटा चीनी समेत हर चीज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। मंजूर नजर माफिया ने वज़ीर-ए-आज़म को घेर रखा है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं गरीब सिर्फ सांस पर गुजारा करे। मौजूदा हुकूमत तहरीके इंसाफ की नहीं तहरीके इंतकाम की है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने तबाही बर्पा की। किस तरीके से गरीब आदमी का नुकसान हुआ, आम आदमी का नुकसान हुआ, सनअतकार का नुकसान हुआ। अगर फायदा किसी का हुआ तो जो माफियाज हैं जो कि इस हुकूमत की मंजूर नजर हैं, जो कि वजीर आजम के आसपास बैठी हैं, उस माफिया का बड़ा फायदा हुआ है। इमरान खान साहब जब अगस्त 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान का कुल कर्जा रूपी टर्म्स में 24.2 खरब रुपए था, 24.2 ट्रिलियन। आज दो साल का इनका इकदार कंप्लीट हुआ है, 34.4 खरब रुपए हो चुके हैं। हुकूमत हर इल्जाम माफिया पर डाल देती है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। ये हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हम महंगाई 3.9 पर छोड़ कर गए, अब 12% पर पहुंच गई है। इस हुकूमत ने दो साल में 11,000 अरब का कर्जा लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम कहते हैं अगर निजाम दुरुस्त ना हुआ तो वजीर आला हाउस का घेराव करने में सबसे आगे होंगे। उन्होंने कहा हमें ना अहल कहने वाले पहले अपनी अहलियत साबित करें। सिंध के इदारों को खराब करने वालों में मुस्तफा कमाल भी शामिल हैं। जब तक बल्दियाती निजाम दुरुस्त नहीं होगा ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये बात भी मैं आपको वाजे कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। ये आपके टैक्स रेवेन्यू का, सिंध के टैक्स रेवेन्यू का 95% टैक्स देता है, 60% टैक्स देता है वफाक का। इस शहर की जरूरियात को अवलियत होनी चाहिए। ये दूध देती हुई गाय है, इसको तबाह नहीं करो, ये और दूध भी दे सकती है। और आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं दुरुस्त किया निजाम तो हम आपके चीफ मिनिस्टर हाउस का महासरा करने में सबसे आगे होंगे। और हमारा सबर ज्यादा ना आजमाना। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर एक शख्स को बाइख्तियार कर दिया गया। 18वीं तरमीम में सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। चारों सूबों के वजीर आला डिक्टेटर बने हुए हैं। एक आदमी को बाइख्तियार कर दिया गया है।
सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, चारों सूबों का ये हाल है, चारों सूबों का ये हाल है, जिसकी वजह से जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बददिली, बेदिली जो आम पूरे पाकिस्तान में गलियों में, यूनियन काउंसिल्स में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में फैल रही है, उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक-ए- ज़मीन पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि ये जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है सूबों को, ये सूबे, ये वजीर आला हाउस से नीचे डिस्ट्रिक्ट को जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से नीचे टाउन को जाने चाहिए ये अख्तियारात और वसाइल, और टाउन से नीचे यूनियन काउंसिल को जाने चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये था, लेकिन हमारी सो कॉल्ड जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो माजरत के साथ जब वो दौर इख्तदार में आती हैं वो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। जब ही हमारी जमहूरियतों का जब की बिसात लपेटी जाती है तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो मिठाइयां तकसीम की गई। तो आज की भी जमहूरियत को किसी से बाहर से खतरा नहीं है, इन्हीं जमहूरी सोक और जमहूरी लोगों से खतरा है, इनके इसलिए कि इनका कोई अमल जमहूरी है नहीं। सिंध में हुकूमतों का आना जाना और कराची के कचरे का ना उठाना एक रिवायत बन चुका है। तहरीके इंसाफ के कराची की सफाई के दावे भी बातों से आगे ना बढ़ सके। शहर कायद में जगह जगह कचरे के ढेर, हुक्मरानों की कारकर्दगी का हाल बता रहे हैं। शहरी कहते हैं इख्तियारात का रोना रोने वाले, हमें कचरा उठाने की इजाजत दें और देखें कराची फिर कैसे साफ होता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राणा। सड़क पर जमा ये कचरे के मनाजिर हैं कराची के इलाके शाफेसल कॉलोनी और जिया कॉलोनी के। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरा न उठने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 3 महीने से सब सो रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है कचरा। बीमारियां आप देखें कितनी फैल रही हैं, इसी वजह से वायरसेस और सारी बीमारियां सब चीजें, और रोड पे मतलब कचरा फेंकने वाले भी देखें उनपे भी शाबाश है कि रोड पे कचरा फेंक कैसे देते हैं। शहरियों ने बल्दियाती इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो भत्ता लेते हैं इसलिए यहाँ से कचरा नहीं उठता, जबकि इसकी वजह से इलाके में बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ये जो कचरा है ना, कचरे का ढेर पूरे इलाके के लिए टाइफाइड मर्ज का मरकज बन चुका है। आप देखें मक्खियां कितनी गुजर रही हैं यहाँ पे, कोई मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है यहाँ का। वोट लेने जब वोट आते हैं तो हमारे घर के एक एक बंदे का पता है कि ये वोट डालेगा, और लेकिन काम के वक्त किसी को कुछ नहीं पता। बस ये जगह आप दिखाएं, जगह इनको दिखाइएगा, बाद में मक्खियों का कचरे का ढेर, सारे भत्ता लेके कचरा डलवाते हैं ये लोग। भत्ता चलता है यहाँ से, पैसे लेते हैं ठेले वाले से 50-100 रुपए, और जिनमें कोई 100 बंदे आके ठेले कचरा डाल के जाते हैं। शहरियों का कहना था कि अगर हुक्मरानों से काम नहीं होता तो उन्हें इख्तियारात दिए जाएं, वो खुद साफ करवा लेंगे। या तो हमें इख्तियार दे दो, फुल इख्तियार जो मजिस्ट्रेट के होते हैं, फिर हम देख लेंगे किसमें इतना दमखम है कि वो आके यहाँ फेंक दे। एक दफा सफाई करवा दो, हमें इख्तियार दे दो, हम कर लेंगे फिर जो भी कुछ होगा। हुक्मरान अगर इलेक्शन से कबल किए गए वादों पर थोड़ा सा भी अमल करें तो कचरे जैसे मसाइल पैदा ही न हो। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंगी, सच टीवी कराची। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, वफाकी वुजरा ने कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। अपनी अपनी वजारतों में जारी मंसूबों के बारे में अवाम को आगाह किया। वुजरा का कहना था वजीर आजम इमरान खान के तब्दीली गाइडलाइन के नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में हमारा इनसार जो है वो इंपोर्टेड एनर्जी पे हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और बिलखसूस इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर इंशाल्लाह 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और पन बिजली यानी कि पानी से हाइडल से जो बिजली बनती है और थर्कोल और न्यूक्लियर शामिल करके तकरीबन 70 से 75% तक जो बिजली बनाई जाएगी वो पाकिस्तान के अंदरूनी वसाइल से बनाई जाएगी। उनको विजन दिया और अपनी पहली स्पीच में हुकूमत बनने के बाद जो उन्होंने बुनियादी उसूल सामने रखे पूरी पाकिस्तान की तरफ से, हमने अपनी वजारत में कोशिश की, वजारत मवासिलात में 75 करोड़ की हमने सेविंग की। पाकिस्तान में पहली दफा ई बिलिंग का आगाज किया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, 12 अरब 56 करोड़ की स्पेशल ऑडिट और ऑडिट करके रिकवरी की है। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है
उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही खत्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको दो सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। हमने जिस तरह से एक इकोनॉमी को जो एक इंपोर्ट इकोनॉमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जो है वो बना रहे हैं। देखिए दो साल हो गए हैं, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया, हम इसको एक बेसिक साइंसेज के बजाय अप्लाइड साइंसेज की तरफ इसको लेके आए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, सी शोर से लेके और सी ट्रेड और वो सारा इसके अंदर इनकम्पस होता है, और ये ग्लोबली इसके जो नेट एसेट्स हैं वो एस्टिमेटेड 23 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। अगर आपके पोर्ट्स बंद हो जाए तो ये सारा जो फ्यूल है सारा का सारा पोर्ट्स पे आता है। पिछले एक डेढ़ साल से हम औसतन 20-25% कम प्राइस पे एडिशनल एलएनजी ले रहे हैं, और अगस्त के पहले हफ्ते में हमने एक कार्गो स्पॉट का 2.2 डॉलर पे उठाया है जो इस रीजन में लोएस्ट प्राइस है। हमने जी क्रेडिट रेटिंग एक हमारा बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। आसू का प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू कर चुके हैं, मोमंद हमने 54 साल के बाद शुरू करवा दिया है, दामिर बादशाह पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने जा रहा है, सिंध बैराज की स्टडीज का काम शुरू हो चुका है जिसमें हम सिंध के पानी के मसला हल करना चाहते हैं, और 112 छोटे डैम्स भी हम बना रहे हैं। 2015 के एंड में ये मिनिस्ट्री बनी थी, कई कवानीन पास हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो हमारी मिनिस्ट्री की 3-pronged अप्रोच है। एक के जो कवानीन बने हुए हैं इंसानी हकूक के हवाले से उनको हम इम्प्लीमेंट करें, दूसरा जिधर गैप्स हैं कवानीन में उधर नई लेजिस्लेशन हम इंट्रोड्यूस करें, और तीसरा कि कोई फायदा नहीं मुल्क में कवानीन होने का जबकि लोगों को इन कवानीन के बारे में मालूम ही नहीं है, खासतौर पे खवातीन को। इंसानी हकूक का इशू अब सेंट्रल हो गया है फॉरेन पॉलिसी में और खासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा GSP+ जो है वो ह्यूमन राइट्स पे डिपेंडेंट है। शाह से ज्यादा शाह के तर्जुमान। जी हाँ, बुजदार सरकार के काबीना अरकान की तादाद विफाकी काबीना से भी आगे निकल गई। तर्जुमानी के लिए 57 वफादार भर्ती कर लिए। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब हुकूमत ने कारगर्दगी से सूबे के अवाम को आगाह करने के लिए 57 शख्सियात को मामूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के तर्जुमानों में 8 वुज़रा, 6 ख़वातीन अरकान असेंबली और 29 पार्टी रहनुमा शामिल हैं, जबकि 8 शख्सियात पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी भी और सरकारी इदारों के ओहदेदार भी हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों की तादाद काबीना अरकान से भी ज्यादा है। बुजदार हुकूमत के तर्जुमानों में सूबाई वुज़रा मियाँ महमूदुर रशीद, असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर मुराद रास, वज़रा में राजा यासिर हुमायूं, अंसर मजीद न्याजी और हाशिम डोगर भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी, 6 ख़वातीन अराकीन असेंबली सादिया सुहेल राना, मुसर्रत जमशेद चीमा, समाबिया ताहिर, मैमूना वहीद, सबीन गुल और सानिया कामरान भी तर्जुमान है। ज़राए के मुताबिक पार्टी के 29 रहनुमा भी पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी के फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें एजाज अहमद चौधरी, शौकत बसरा और डॉक्टर जरका तहमूर भी शामिल हैं, जबकि नासिर सलमान, डॉक्टर शाहिद सदीक और फातिमा चद्दड़ बुजदार सरकार के तर्जुमान भी हैं और मुख्तलिफ इदारों में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सूबाई सिंध के जिला सखर में दरिंदगी की इंतहा हो गयी। पन्नू आकिल में जनूनी शख्स ने पूरा खानदान छुरियों के बाद से कत्ल करके सफाकियत की नई मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने 11 अफराद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। छुरी के वार, 11 अफराद अबदी नींद सुला दिए गए, बच्चे भी ना छोड़े। सिंध के जिला सखर की तहसील पन्नू आकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मक्तूलीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम घर का सरबराह है जिसने अपने ही घर की खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। तमाम मक्तूलैन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में मामूली तनाजा खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। हरिपुर में अफगान महाजरीन के दो ग्रुपों में फायरिंग से 7 जिंदगियों के चराग गुल हो गए। कातिल होने वालों में 5 भाई भी शामिल हैं। शर्ती आदम बर्दाश्त जिंदगियां निकलने लगा। मामूली तनाजे ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। हरिपुर के चांदनी चौक डाकखाना के बाहर लाइन सीधी कराने पर होने वाली मामूली तलख कलामी खौफनाक झगड़े में बदल गई। अफगान महाजरीन के दोनों ग्रुप्स यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए मौजूद थे। मामूली तलख कलामी खूनी झगड़े में तब्दील हो गयी। दोनों इतराफ खड़े लोगों ने असलहा निकाल कर एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 6 अफराद गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जख्मी हालत की ताब न लाते हुए मौत की आगोश में जा सोया। DIG हजारा काजी जमीलुर रहमान ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुतालिका पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। PO is on the spot, he is along with the police party, वो सर्च भी कर रहे हैं और बाकी जो इतने भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे लगाए जा रहे हैं। इस पे जीरो टॉलरेंस है, हम किसी को ये नहीं अलाउ कर सकते कि वो वेपन्स लेके खड़े हैं और कई अटके हों, और सख्त कार्रवाई होगी, हुई भी है और मजीद सख्त कार्रवाई होगी। उधर पुलिस ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठा करके मकतूलैन के अहले खाना की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनों का खून सफेद हो गया। नौशहरा में जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद जहां भाग, 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में पेश आया, जहां जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर मामू और भांजों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौके पर जा बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकये के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया। CTD इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में कार्रवाई के दौरान बैन अलावामी सतह पर दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुंसलिक खतरनाक मुलजिम को धर लिया। हसास इदारे की इत्तलात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कालदम जमात से है। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया है। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में खतरनाक 2 दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 20 लाख की रकम भी मुकर्रर कर रखी थी। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोर्ट में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली तो रेंजर्स और CDD मौके पर पहुंच गई। दहशतगर्दों ने एहलकारों पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में मौके पर मौजूद 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद रफीक और अदनान शब्बीर के नामों से हुई है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादन तंजीमों से था। सिंध हुकूमत ने हलाक दहशतगर्द मोहम्मद रफीक के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दोनों दहशतगर्द हाल में ही अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मंसूबा लिए पाकिस्तान आए थे। तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि दहशतगर्द मोहम्मद रफीक वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के माइंस, IEDs और बम तैयार करता था। 2015 में मार्च में दहशतगर्द ने शाह लतीफ टाउन में पुलिस वैन को धमाके से उड़ाया था। 2014 अक्टूबर में दहशतगर्द ने हब रिवर रोड पक्षे में धमाका करके 4 अफराद को जख्मी किया था, जबकि जून 2010 में दहशतगर्द ने कराची की सिटी कोर्ट में हमला करके अपने साथियों को पुलिस कस्टडी से फरार करवाया था। वाकई में एक एहलकार शहीद, एक जख्मी हुआ था। दहशतगर्द अदनान उर्फ शब्बीर कारी इंतहाई खतरनाक टारगेट किलर था, जो मुत्तहिद पुलिस अफसरान और एहलकारों को शहीद कर चुका था। दहशतगर्द लश्कर झंगोरी नईम बुखारी, इसाक बोबी और आसिम केपरी का करीबी साथी था। पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गया। लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने तफ्तीश के दौरान सब उगल दिया। लाहौर से गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने अहम इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार लियाकत खान नामी दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश बताया कि हमने पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्द ने मजीद तफ्तीश में बताया कि हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया और 17 साल बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। धमाके हुक्म मुकर्रम खान उर्फ उमर खरसानी ने दिया है। गुज़श्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स ने लाहौर रेलवे स्टेशन से एक दहशतगर्द को खुदकश जैकेट और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासजात बनाने के रेफरेंस की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर पर बरहम हो गई।
تفتیشی افسر نے غیر مسعود معافی مانگ لی۔ شرجیل، انعام، میمن اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ نئے پراسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شرجیل میمن نے مختلف لوگوں کے نام پر جائیدادیں خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ شرجیل میمن پر 2.43 کروڑ روپے کے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس بنایا گیا۔ ان کی جائیدادوں میں صرف 16 کروڑ روپے کی ملکیت کی تصدیق ہوئی۔ نئے پراسیکیوٹر نے کہا کہ شرجیل میمن نے 2.27 کروڑ روپے کے ناجائز اثاثے بنائے۔ ملزم نے اپنے اہل خانہ اور بے نامی اداروں کے نام پر جائیدادیں خریدیں۔ نئے پراسیکیوٹر نے عدالت عالیہ میں جائیدادوں کی تفصیلات پیش کر دیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ آپ ان جائیدادوں کی تفصیلات کے لیے خود گئے تھے، شرجیل میمن کی والدہ و اہلیہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ہم نے مختار کارک سے ریکارڈ منگوایا تھا۔ عدالت عالیہ نے اظہار برمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جائیدادوں کی مالیت جانچنے کے لیے ہی چلے جائیں۔ شرجیل میمن کی اہلیہ اور والدہ کے وکیل نے بتایا کہ وہ خود مختار اور ٹیکس دہندہ ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ انہوں نے دبئی میں جائیداد خریدی ہے، ان کے انکم ٹیکس ریٹرن سے جائیداد کہیں زیادہ ہے۔ جسٹس کے کے آغا نے کہا کہ آپ تفتیشی افسر ہیں اور آپ کے پاس بنیادی معلومات نہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم نے کل ہی کہا تھا کہ اوریجنل دستاویزات پیش کریں۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ فارم ہاؤس کی دستاویزات کہاں ہیں، سب سے اہم الزام یہی ہے اور آپ کے پاس دستاویزات تک نہیں۔ جسٹس ذوالفقار سانگھی نے کہا کہ اگر ایسی تفتیش ہوگی تو آپ کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس کے کے آغا نے کہا کہ ہمیں معافی نہیں، دستاویزات چاہیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ آباد میں رفائی پلاٹس، گرین بیلٹس پر پیٹرول پمپس اور تجاوزات خاتمے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ زمین جس مقصد کے لیے مختص ہوئی اس پر وہی کام ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ ایسی جگہوں پر کمرشل سرگرمیاں انتظامیہ کی ناکامی ہیں، شہر کو چلانا انتظامیہ کا کام ہے، ارکان پارلیمان یا ججز کا نہیں۔ اسی پہ رپورٹ کریں گی سیرش خان۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کمشنر فیصل آباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا سروے کریں، زمین جس مقصد کے لیے حاصل ہوئی اس پر وہی کام ہونا چاہیے۔ کیا شہر میں گرین بیلٹس اور پارک میں بنے پیٹرول پمپ ہٹائے گئے؟ گرین بیلٹس کی زمین پر پمپ کیسے بن گیا؟ کمشنر فیصل آباد نے جواب دیا کہ دونوں مقامات سے پیٹرول پمپ ختم کر دیے ہیں، یہ زمین 30 سال پہلے لیز کی گئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ معاملے کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں۔ کمشنر فیصل آباد نے جواب دیا کہ عدالتی حکم سے ہمیں طاقت ملی ہے، شہر میں گرین بیلٹس پر مزید ایسی تجاوزات ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ رفائی گرین بیلٹس پر تجاوزات کے خلاف ایکشن لیں گے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ شہر کو چلانا انتظامیہ کا کام ہے، شہروں کو چلانا ارکان پارلیمان یا ججز کا کام نہیں، ایسی جگہوں پر کمرشل سرگرمیاں انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ گرین بیلٹس رفائی پلاٹس پر تمام غیر قانونی سرگرمیاں ختم کی جائیں اور گرین بیلٹس اور رفائی پلاٹس کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ توانائی کے شعبے سے اچھی خبر، پاکستان کا سستی ترین ایل این جی منگوانے کا منصوبہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا۔ اگست کے آخر اور ستمبر میں سستی ترین ایل این جی حاصل کی جانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ سستی ایل این جی منگوانے سے ملک میں آئندہ ماہ بجلی کی پیداواری لاگت میں خاطر خواہ کمی کا امکان پیدا ہو چکا۔ پیداواری لاگت میں کمی سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے امکانات روشن ہو گئے۔ اس مد میں اگست کے آخر میں ایل این جی کارگو خام تیل کی 5.74% قیمت پر ملے گا۔ کرونا وبا اور معاشی حالات نے پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار چھین لیا، جبکہ 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کرونا سے متاثرہ ممالک سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار، 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اے ڈی بی نے کرونا سے بے روزگاری پر رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں 3 اور 6 ماہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اے ڈی بی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیائی خطے کے 13 ممالک کرونا وبا سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 9واں متاثرہ ملک ہے۔ جن ممالک میں نوجوانوں کی بے روزگاری بڑھی ہے ان میں بھارت، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، فجی، آسٹریلیا، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا اور ویتنام شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وبا کے باعث پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15,06,000 نوجوان اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ، ہول سیل اور ریٹیلر ٹریڈ، رہائشی اور فوڈ بزنس کے شعبوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی، جبکہ تعلیم، صحت،
समेत दीगर शोबों में बेरोजगारी की शरह कम रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 माह के दौरान एशियाई ममालिक में मजमूई तौर पर 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि 6 माह के दौरान इन ममालिक में बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुँचने का खदशा है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी आने के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। मस्जिद नबी में एहतियाती इकदाम के साथ यकुम मुहर्रम से मस्जिद को कालीनों से आरास्ता करने का फैसला कर लिया गया। मस्जिद नबी अमूर के सदर के मुताबिक मस्जिद के अंदर और बैरूनी हिस्से में 7,000 कालीन बिछाए जाएंगे। एक कालीन पर हर नमाजी के दरमियान 180 सेंटीमीटर के फासले पर 3 नमाजियों की इजाजत होगी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रुवैत हलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान चांद नजर न आने या न आने का ऐलान करेंगे। माह मुहर्रम उल हराम के हवाले से चांद देखने के लिए मरकजी रुवैत हलाल कमेटी का इजलास कल बाद नमाज असर महकमा मौसमियात के दफ्तर कराची में होगा। रुवैत हलाल कमेटी के सरबरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, क्वेटा और पेशावर में होंगे, जबकि उलमा की तकनीकी मदद के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने ओलंपियन नवीद आलम पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब हॉकी ने नवीद आलम पर मुतवाजी तंजीमें बनाने पर पाबंदी आयद की है। नवीद आलम के पास अपील का हक महफूज है, सदर हॉकी फेडरेशन को अपील कर सकते हैं। नवीद आलम 1994 वर्ल्ड कप फातह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कौमी टीम के कोच भी रह चुके हैं। तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज का फैसला कुन टाकरा जुमे से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान आखिरी मैच में फतह के साथ सीरीज का इख्तिताम बराबरी पर कर सकता है। Gone now. Edge done gone. There's the sweep and he's got it. Oh, nicely. That'll be 4. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी साउथैम्पटन में खेला जाएगा। अब तक होने वाले मैचेस में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा। Never back the pair, is he off the pair? He is with a nice punch down the ground. पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से फतह हासिल की। दूसरे मैच में बारिश ने 5वें रोज खेल को मुतासर किया, जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट मैच बेनतीजा रहा और दोनों का 1-1 पॉइंट मिला। तीसरे मैच में फतह से जहां सीरीज बराबर कर सकता था, वहां इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम भी कर सकता है। कौमी क्रिकेटर्स का कहना है कि तीसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। आखिर में फतह से आलमी रैंकिंग में भी इस्तेहकाम आएगा और रेटिंग पॉइंट्स में इजाफा होगा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।